एक सुबह अनुज के घर उसकी नानी का कॉल आया। उन्होंने फ़ोन पर बताया कि अनुज के नाना की तबीयत बहुत ख़राब है और वह अपने आखिरी समय से पहले एक बार अपने सभी परिवार से मिलना चाहते हैं। उस छलावे के डर से अनुज के माता पिता उसे गांव नहीं ले जाना चाहते थे, तो उन्होंने अनुज को घर पर ही रहने को कहा और साथ ही एहतियात बरतने को भी कहा। अनुज अपने नाना की चिंता और इस अफसोस में था कि वह अपने नाना जी से उनके आखिरी दिनों में कभी नहीं मिल पाएगा। यह सोचकर अनुज बहुत दुखी हुआ। उसने अपने माता पिता से साथ चलने की जिद करी, लेकिन उसके माता पिता ऐसा हरगिज नहीं करना चाहते थे, पर अनुज बिल्कुल नहीं माना, तो हार कर उन्हें अनुज को अपने साथ ले जाना ही पड़ा। शाम होते ही वो तीनों गांव के लिए रवाना हुए। दुखी अनुज अपने नाना जी के लिए बस रोए जा रहा था। अगली सुबह जब वे लोग गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर पर गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं। अंदर से रोने की आवाजें आ रही थी। वह लोग तुरंत घर के अंदर भागे, तभी उन्हें पता चला कि अनुज के नाना जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। शाम होते ही सब लोग अपने घर चले गए और अनुज अकेले कमरे में दुखी मन से बैठा हुआ था। तभी अचानक किसी ने अनुज के कमरे पर दस्तक दी। अनुज के पूछने पर दरवाजे के पीछे से अनुज के पिता की आवाज आई। उन्होंने कहा, अनुज दरवाजा खोलो बेटा, यूं अकेले बैठने से कुछ नहीं होगा, बाहर आ जाओ। अनुज को अपने पिता की आवाज में कुछ फर्क सा महसूस हुआ, लेकिन उसने दरवाजे के पास जाकर फिर से उनसे कुछ पूछने की अभी कोशिश ही की थी कि तभी उसे एक बार फिर से जलती हुई लुबान से वैसी ही बदबू आना शुरू हुई जैसे कि उसे एक साल पहले अनुभूति हुई थी। यह देखकर अनुज के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। वह बेहद डर और हैरत से लुबान से आते हुए धुएं को देख रहा था, और तभी एक बार फिर से अनुज के कानों में वही डरावनी आवाज कौंध गई जिसे उसने एक साल पहले सुना था। वो शरीर में सिहरन पैदा करने वाली आवाज आज भी पहले की ही तरह दिल दहला रही थी, और इस बार अनुज डर के मारे वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह अनुज ने अपनी नानी को रात का किस्सा विस्तार से बताया और पूछा, मुझे इस छलावा के बारे में सब कुछ जानना है। उसकी नानी ने उसे डांटते हुए कहा, नहीं, यहां कोई उसका नाम नहीं लेता, और ये हिदायत भी दी कि तुम्हें भी नहीं लेना चाहिए। पर अनुज नहीं माना और फिर से उस छलावे के बारे में पूछने लगा। हारकर उसकी नानी ने उसे शुरुआत से पूरी कहानी बताई। अनुज के अलावा आज तक कोई भी उस छलावे से बच नहीं सका था। जिसको भी वो छलावा दिखा उसे मौत की नींद सोना पड़ा। जिस खतरे को अनुज के नाना नानी सोच रहे थे कि वह खत्म हो गया है, वह खत्म नहीं हुआ था, बस टला था। लेकिन उस गांव में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उस गांव को इस भयानक बला के आतंक से जूझना पड़ा? इसकी शुरुआत 70-80 के दशक में हुई, जब उस गांव में एक महिला रहा करती थी। लेकिन बदकिस्मती से वह महिला जब भी गर्भ धारण करती थी तो किसी न किसी वजह से उस महिला का गर्भपात हो जाता था, जिसके कारण उसके मां बनने का सपना अधूरा ही रहा। शायद इसी वजह से बच्चों के लिए उसका प्यार हमेशा बढ़ता ही रहा। लेकिन यह वो समय था जब भारत के अधिकतर ग्रामीण इलाकों में अंधविश्वास घर किए हुए था। ऐसे में सभी गांव वाले ये मानते थे कि वह महिला एक डायन है जो खुद ही अपने बच्चों को मार देती है। और तो और गांव के कई लोगों का यह भी दावा था कि उन्होंने उसे टोना टोटका जैसी क्रियाओं को करते हुए भी देखा है। लेकिन सच क्या था ये किसी को नहीं पता। आदतन वो महिला जब भी किसी बच्चे को देखती थी तो वह उसके साथ खेलने की कोशिश करती थी, और बच्चे भी उसके साथ काफ़ी खुश रहा करते थे। लेकिन गांव वालों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि गांव का कोई भी बच्चा उस मनहूस महिला के पास भी जाए। सर्दियों की एक दोपहर में उस महिला के घर के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे, और उनमें से एक बच्चे को बहुत ज़्यादा रोते देख वो महिला उसके पास आई, और उसे चुप कराने के लिए उसने घर से लाकर उसे कुछ फल खाने के लिए दिए। इस समय वो महिला भी अपनी गर्भ अवस्था में थी और उससे उस बच्चे को रोता हुआ देखा नहीं गया था।
लेकिन दुर्भाग्यवश शाम ढलने तक जिस बच्चे को उस महिला ने फल खिलाया था उसकी अज्ञात कारण से मौत हो गई। उस बच्चे को फल खिलाते हुए वहां खेल रहे अन्य बच्चों ने देखा था और उन बच्चों ने गांव के अन्य लोगों को भी इस बारे में बताया, जिसके कारण सभी लोगों का ये लगा कि जरूर उस महिला ने फल में कुछ ऐसा मिलाया था जिसके कारण उस बच्चे की जान चली गई। आक्रोश में आकर गांव के गुस्साए लोगों ने उस महिला को बुरी तरह से पीटा, इतना कि उसकी जान चली गई और उसके साथ साथ उसकी गर्भ में पल रहे उसके बच्चे को भी जन्म लेने से पहले ही मार दिया गया। अपनी आखिरी सांसों को बचाकर उस महिला ने बस यही कहा कि उसे इस गांव के लोगों ने डायन समझकर उसका और उसके बच्चे का जो हश्र किया है उसका हर्जाना उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। उस दुखद घटना के लगभग कुछ ही सालों के बाद से गांव के लोगों को गांव के सुनसान इलाके में उस महिला का भूत दिखाई देने लगा और एक एक करके उस महिला ने कई बच्चों और वयस्कों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। तो क्या उस छलावे ने कभी अनुज का साथ छोड़ा ही नहीं था? क्या वो इस इंतजार में थी कि कब वह अनुज को अकेला पाकर उसे अपना शिकार बना ले, या ये छलावा पहले ही अनुज को अपनी गिरफ्त में ले चुकी थी? आपको क्या लगता है? यदि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और आप आगे भी ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो आप कमेंट्स के माध्यम से अपने सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई मिस्ट्री, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।